गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर की आज अपने बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है जब आपने कटाई कर ली है उसके बाद के जो फैक्टर हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है अपना वाटर रिलेशन। ठीक है, वाटर रिलेशन क्या है? द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ द हार्वेस्टेड फ्लावर डिपेंड ऑन फ्लावर अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि वाटर वो अपटेक उसने कितना कर रखा है और ट्रांसपोर्ट कितना कर रहा है, वाटर लॉस कितना हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ द फ्लावर टिश्यू टू रिटेन इट्स वाटर वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ए वाटर डिफिशिएंट एंड विल्टिंग डेवलप। वाटर की अगर कमी हो जाती है तो क्या है, विल्टिंग डेवलप हो जाएगी। व्हेन द ट्रांसपिरेशन एग्जिस्ट एट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वाटर का ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करेगा अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ है तो। ठीक है, द रेट ऑफ वाटर अपटेक ऑफ कट फ्लावर डिपेंड ऑन ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, द रेट ऑफ वाटर अपटेक किस पर डिपेंड रखेगा, कि कट फ्लावर ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, उसका मतलब कितना ट्रांसपिरेट होता है वाटर। टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में रखा जाता है और किस सोल्यूशन में उसको रखा जाता है। डिसरप्शन ऑफ वाटर कॉलम इन स्टेम वेसल बाय एयर इमोबिलेशन एंड रेसिस्टेंट वाटर फ्लो इन स्टेम। ठीक है, आल्सो डेवलप वाटर डिफिसिट। ठीक है, अगर डिसरप्शन हो जाता है वाटर कॉलम से, वाटर मतलब जो फ्लावर स्टेम के जो कॉलम है उससे अगर वाटर का डिसरप्शन हो जाता है स्टेम वेसल से या एयर इमोबिलिज्म के कारण तो क्या है, रेसिस्टेंट हो जाता है वाटर फ्लो, रेसिस्टेंट हो जाता है जिससे क्या है, पानी की कमी आ जाती है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट। एसिडिफिकेशन करते हैं मतलब वाटर क्या ज़्यादा एसिडिक हो, एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट उसके अंदर मिक्स कर दे तो होगा क्या, फ्लावर फूड इन होल्डिंग सॉल्यूशन मार्केटेडली इम्प्रूव वाटर अपटेक ऑफ कट फ्लावर। ठीक है, इम्प्रूव वाटर अपटेक कैपेसिटी, जो वाटर अपटेक कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अगर वेटिंग एजेंट को मिक्स किया जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं अपने रेस्पिरेशन पे। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल इन द हार्वेस्टेड फ्लावर, टेम्परेचर एंड द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल इट इज रेगुलेट। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वाटर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है हार्वेस्टेड फ्लावर के अंदर, टेम्परेचर क्या है, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल को रेगुलेट करते हैं। विद हाई टेम्परेचर देर इज़ अ फास्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा हो जाती है और टिश्यू भी क्या है, बर्न होने लग जाते हैं। कंसिक्वेंसली द लाइफ ऑफ फ्लावर इज शॉर्टेंड। तो फ्लावर की जो लाइफ है वो क्या है, छोटी हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अपने बात करेंगे। इट हैज़ बीन बेयरिंग ऑन द ट्रांसपिरेशन रेट, हाईर द ह्यूमिडिटी इन द एयर लेस इन द ह्यूमिडिटी रेयर द एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एयर के अंदर क्या ट्रांसपिरेशन किस पर डिपेंड करता है, एयर पर। ठीक है, अगर मान लो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लेस होगा, और एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इसको इस कंडीशन को बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर की अपने बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर पर डिपेंड करती है। वाटर रिलेशन चेंज एसोसिएट विद द फ्लावर सेंसेशन आर आल्सो इन्फ्लुएंसेस बाय द ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन डिले सेंसेशन ऑफ सम कट फ्लावर। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जो फ्लावर की किससे कंट्रोल होती है, ग्रोथ रेगुलेटर से कंट्रोल होती है। वाटर रिलेशन चेंज होता है एसोसिएट विद फ्लावर सेंसेशन आल्सो भी इन्फ्लुएंस बाय ग्रोथ रेगुलेटर से होती है। जो फ्लावर की ग्रोथ है वो भी किससे इन्फ्लुएंस होगी, हार्मोन से होगी, जैसे साइटोकाइनिन क्या डिले कर देता है कट फ्लावर के अंदर ग्रोथ को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन जीए होते हैं जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, इन सम केसेस प्रमोट लॉन्गेविटी ऑफ फ्लावर वाइल दिस इज आल्सो यूज इन बट ओपनिंग सॉल्यूशन है ये जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है द IAA इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, प्रमोट इथाइलिन प्रोडक्शन, इथाइलिन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है फॉर आइसोलेटेड कार्नेशन पिटल्स के अंदर। कार्नेशन फ्लावर का नाम है और उसके पिटल्स उसकी पंक्तियों की बात कर रहे हैं, अगर IAA उस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, बढ़ जाएंगी, ग्रोथ हो जाएगी। इन कंट्रास्ट द सेंसेशन एंड द एबिशन ऑफ पॉइनसेटिया फ्लावर इज डिले बाय ऑक्सीजन। ठीक है, पॉइनसेटिया फ्लावर होता है उसको डिले कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को ऑक्सीजन हार्मोन के
स्प्रे से, ठीक है, या ओरमिन हार्मोन के सॉल्यूशन में रखने से, ठीक है। तो ये सारे ग्रोथ रेगुलेटर हैं। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिजर्वेटिव इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर केमिकल शुगर जर्मिसाइड साल्ट एंड ग्रोथ रेगुलेटर। हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टैबलेट और पाउडर है जिसके अंदर मिक्सअप करते हैं ये सारी चीज़ें। वेरियस टाइप ऑफ कंडीशनर्स आर शुगर एंड बायोसाइड, एंटी थाइलिन कंपाउंड है, हाइड्रेटेड कंपाउंड है। द फ्लावर लाइक ग्लेडुलस कार्नेशन क्राइसेंथेमम फ्रेश आर बेनिफिट मोस्ट ऑफ द प्रिटेंडमेंट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रिटेंडमेंट। एंटी इथाइलिन कंपाउंड इज प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है, रिड्यूस द एक्शन ऑफ एमडीएस इथाइलिन एज वेल एज ऑटो कैटालिटिक प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन बाय फ्रेश कट वाटर, ठीक है, फ्रेश कट फ्लावर के अंदर, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। फ्रूट कट फ्लावर रिस्पॉन्डिंग टू सिल्वर थायोसल्फेट आर कार्नेशन। सिल्वर थायोसल्फेट जो है किस में यूज़ होता है, कार्नेशन में, ऑर्चिड में, गाइपोस्पिला ग्लेडुलस है, जरबेरा, स्नैपड्रैगन है, इनके अंदर यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादा सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन क्लफ कट फ्लावर क्वालिटी एंड लॉन्गिटिविटी इज ऑब्टेन व्हेन डाई ए सी और डी डी एम एच, ये क्या प्रिजर्वेटिव है, वर कंबाइंड विद सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ इसको कंबाइंड करते हैं तो क्या होते हैं, फ्लावर क्या अच्छे से जो है कंजर्व रहते हैं, कंजर्व का मतलब संरक्षित रहते हैं, बचे रहते हैं। प्री कूलिंग और स्टोरेज की बात करेंगे। प्री कूलिंग इज एसेंशियल फॉर रिमूविंग फील्ड हीट फ्रॉम फ्लावर। प्री कूलिंग का मतलब क्या है, फ्लावर को तोड़ने के बाद उसके ठंडे पानी में डालते हैं जिससे क्या उसकी फील्ड हीट निकल जाती है। दिस इज डन आइदर बाय द फोर्स्ड एयर कूलिंग एंड हाइड्रो कूलिंग टू ब्रिंग डाउन टेम्परेचर फ्रॉम 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, ठीक है, 20-30 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। अदर मेथड आर रूम कूलिंग एंड वैक्यूम कूलिंग। अदर मेथड रूम कूलिंग भी है, वैक्यूम कूलिंग भी। फ्लावर कैन बी स्टोर्ड फॉर इट्स लॉन्गर पीरियड एट लो टेम्परेचर। फ्लावर क्या है, स्टोर कर देते हैं लॉन्गर पीरियड लो टेम्परेचर पर, ठीक है। देयर आर टू मेथड ऑफ कोल्ड स्टोरेज, वेट एंड ड्राई, ठीक है, दो मेथड हैं कोल्ड स्टोरेज के, वेट और ड्राई। वेट मेथड इज शॉर्ट टर्म स्टोरेज इन विच कट स्टैम आर डिप्ड इन वाटर, ठीक है। वेट स्टैम का मतलब है स्टैम को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करते हैं, कट करके क्या है वाटर सॉल्यूशन के अंदर, ठंडे वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है। ड्राई स्टोरेज इज मोर लेवल इंटेंसिव मेथड है। ड्राई लेवल ड्राई जो है करना मतलब कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। द कंट्रोल्ड एटमोस्फियरिक जो अपने पीछे पड़ चुके हैं ना सी ए कंट्रोल एटमोस्फियर उसकी बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ रेस्पायरेशन रेट कि वो क्या करता है रेस्पायरेशन रेट को रिडक्शन कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कंजर्वेशन ऑफ रेस्पायरेबल सब्सट्रेट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड डिले इन इथाइलिन ट्रिगर्ड चेंज कॉज सेंसेशन, ओके। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ सी ओ टू एंड डिक्रीज लेवल ऑफ ओ टू इन एटमोसफियर। लो टेम्परेचर स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द बिल्डअप टू एंडोजीनस इथाइलिन, ठीक है, एंडोजीनस इथाइलिन की बात कर लें लो टेम्परेचर अगर हो तो, ठीक है, तो ये क्या है उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कह रहा है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग है ये लास्ट पॉइंट है, बाकी अपने फिर नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग की बात करें, लो रेट ऑफ रेस्पायरेशन सेल डिवीजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, लोअर रेट होती है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन रेस्पायरेशन जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, ये एसेंशियल है लोअर रहना, ठीक है, एसेंशियल फॉर लॉन्ग स्टोरेज लाइफ एंड कीपिंग क्वालिटी। बिफोर पैकिंग फ्लावर शुड बी ड्राइड, पैकिंग करने से पहले फ्लावर को क्या करना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड विद द सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और मिटीसाइड से भी उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम उसमें कोई इंसेक्ट या मिटीसाइड माइट्स ना लग जाए। पैकिंग मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, वाटर लॉस एंड एक्सटर्नल कंडीशन डिट्रीमेंटल टू ट्रांसपोर्ट फ्लावर, ओके। बॉक्सेज मेड ऑफ कैरुगेटेड फाइबर इसके बनते हैं, ठीक है, ये अपने स्टोरेज में करेंगे सारा। बोर्ड आर गुड। फ्लावर सेंसिटिव टू जियोग्राफिक जियोट्रोपिक बेंडिंग मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन अपराइट पोजिशन के अंदर, ठीक है, जो जियोट्रोपिक बेंडिंग करते हैं। द फ्लावर शुड बी ट्रांसपोर्टेड एट द ऑप्टिमल लो लेवल। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ड्यूरिंग प्री कूलिंग एंड शिपमेंट ऑफ कट फ्लावर शुड बी मेंटेन एट लेवल ऑफ 95-98% क्या है रखनी चाहिए, ठीक है, क्या रखनी चाहिए प्री कूलिंग के अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है। लैक ऑफ लाइट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन पार्टिकुलरली एट हाई टेम्परेचर कॉजेज येलोविंग ऑफ लीफ इन मैनी फ्लावर, ठीक है। अगर क्या हो जाए लाइट ज़्यादा टाइम तक उसे लाइट से दूर रखा जाए लीव्स जो है वो येलो होने लग जाएंगी और क्या है क्या होगा और क्या होगा
येलोइंग होने लग जाएगी लीव्स के अगर उसको हाई टेम्परेचर पर रखें, ठीक है। शिपमेंट ऑफ फ्लावर इज यूजली डन बाय रोड, एयर एंड सिया के होगा, ठीक है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड शॉर्टन देन 20 आवर, ठीक है, मतलब 20 आवर के अंदर अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ से हरिद्वार फ्लावर जो हैं अपने भेजते हैं, रोज़ के हरिद्वार फ्लावर भेजते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो 20 आवर से कम की हमारी जर्नी होनी चाहिए। ज़्यादा की होगी तो फिर हमारे जो फ्लावर है क्या है, हैम्पर होने लग जाएंगे या उसकी अच्छे से प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए। कट फ्लावर में भी ट्रांसपोर्टेड इन इंसुलेटेड ट्रक्स विदाउट रेफ्रिजरेशन आफ्टर प्री कूलिंग एंड प्रॉपर पैकेजिंग, ठीक है। अगर प्री कूलिंग नहीं है, फ्रिज वगैरह नहीं लगा हुआ, फिर तो 20 घंटे के अंदर अंदर उसे पहुंचा देना चाहिए, या फिर तुम पानी में या बर्फ़ में डाल के भेजो, या फिर एयर कूलिंग वगैरह तुम्हारा वो हो ट्रक, तब कोई बात नहीं, फिर आप लॉन्ग दूरी डिस्टेंस पर भी भेज सकते हो। एयर शिपमेंट इज क्विकेस्ट, यूजली द टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोलिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट, द फ्लावर शुड बी पल्स विद एसटीटी प्योर्स टू एयर शिपमेंट, ठीक है। एयर शिपमेंट अगर एयर के द्वारा अपने कोई फ्लावर भेजते हैं तो उसकी पल्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। पल्सिंग क्या होता है, कल्चर के अंदर पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है फ्लावर्स को, जिससे क्या वो ख़राब नहीं होते, ठीक है, कल्चर के अंदर। तो अगर अपने एयर ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस ये मेथड अपने पल्सिंग वाला यूज़ कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट अपने कल करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।